अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो गोट है तेरी गोट हमारे पास जो क्लिनिक में आई है, इनके बारे में आज एक अहम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ये लाजमी देखना, मैं हूँ डॉक्टर पुन्यो। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है कि ये एजुकेशन पर्पज के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर में भी काम आएगा, क्योंकि वो जो लार्ज एनिमल सर्जरी का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो इस केस स्टडी में हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि इस पटेरी गोट को क्या हुआ है। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इनके हेड में कितनी कैविटीज हैं, वो है 3 कैविटीज। कैविटी नंबर 1 जो क्रैनियल कैविटी कहते हैं, जिसमें ब्रेन है। नंबर दूसरी कैविटी होती है नॉस्ट्रल कैविटी, नॉस्ट्रल कैविटी जिसमें नॉस्ट्रल्स आते हैं, साइनस आता है। तीसरी कैविटी है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, टंग और टीथ होते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में है क्या, वो है टंग। टंग में क्या है कि ये जो है ग्रोथ हो गई है, इसमें एब्सेस भी हो सकती है, लेकिन हार्ड स्ट्रक्चर है, फ्लूड भी हो सकता है, और इस कंडीशन को कहते हैं सब लिंगुअल म्यूकोसोल। तो हम इनका आज फुल डिटेल, हमारा ये आज ये वीडियो देखना कि कम्प्लीटली ये केस अगर आपके क्लिनिक में आ जाए तो आप किस तरीके से हैंडल करें। उनको हमने एनेस्थेसिया सेडेटिव ड्रग दी है ज़ाइलाज़ीन। ज़ाइलाज़ीन दिया है हमने उनको ईयर वेन में, ईयर वेन में सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव ड्रग के क्लास होता है लाइट सेडेशन, मीडियम सेडेशन, डीप सेडेशन। तो इनको हमने लाइट सेडेशन के लिए तो सेडेशन दिया है, तो अभी ये सेडेशन है। ये एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है कि इसकी रिकम्बेंसी देखो, और हेड डेविएशन होता है किस पे, राइट साइड पे डेविएशन है इसका हेड का, और उसको क्या हो गया है ऑनसेट ऑफ सेडेशन, किसका ऑनसेट ऑफ ज़ाइलाज़ीन सेडेशन। तो ज़ाइलाज़ीन सेडेटिव और एनर्जेटिक है, उसका ये काम होता है कि जिस ही हम उनको अगर इनमें एग्जामिनेशन के दौरान पस है तो उसको रिमूव करेंगे तो इनके लिए ये आसानी होगी, और एनिमल को जो खाने पीने में ओरल कैविटी में जो मुश्किलात है वो हल करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ओनर को हम फैसिलिटेट करें और एनिमल को जो भी तकलीफ है उनको, तो उनको सर्जिकली, सर्जिकल स्किल से हम उनको दुरुस्त करेंगे। कम्प्लीटली हमारा वीडियो देखना तो आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा, टेक्निक नज़र आएगा और आपको एक्सपीरियंस नज़र आएगा होगा कि किस तरीके से इस रिम्यूनेट में भी ये जो होता है म्यूकोसोल होता है, और उनको हल क्या है, इन मसले का हल है सर्जरी। तो सर्जरी के लिए हम प्लान करते हैं, फिर हमारा कंटिन्यू देखना हमारा कंप्लीट वीडियो कि इसको किस तरीके से हम और लोकल एड्रेस से जाते हैं। और ये इधर देखो सेडेटिव ड्रग, सेडेशन का ये होता है, ये सेडेशन का ये होता है आईज और उनकी लोग देखो आई सेंटर में है, आई बाल जो होता है नहीं डाउन होता है नहीं, तो उसको और इसकी जो जा है, जा टोन, ये जा टोन एब्सेंट है, जाटोन एब्सेंट है, मीन्स इजीली हम इसकी काम कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो होता है टेम्पो मेंडिबुलर जॉइंट जो होता है TMG वो रिलैक्स हो जाता है, ये जाज और उसको जो कंट्रोल होता है इधर क्रैनियल नर्व का, क्रैनियल नर्व का ट्राइगमिनल क्रैनियल नर्व जो होती है वो रेगुलेट करती है आय को, अपर जा को और लोअर जा को। अभी ये ट्राइगमिनल नर्व पे इफेक्ट है, ईजिली हम ये काम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और ये हमने इसका जो ये है टंग है, टंग निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि इसको और प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से सर्जरी करते हैं। तो ये टंग ऊपर है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन के जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में ये जो है डेवलपमेंट हो गई है, तो इसको एब्सेस भी हो सकता है, पस भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन सिरिंज लगा के हम उसको सर्जरी करके हम दुरुस्त करेंगे। तो देखते रहिए हमारा कंटिन्यू देखना, हम दिखाते हैं। ये देखो फ्लूइड आ रहा है, इसमें सिस्ट बन गई है, तो ये फ्लूड जो को देखो इसमें कितना रिलीफ हो गया उसको एनिमल को, और ये 10 ml का फ्लूड हमने इससे निकाला है। तो इससे क्या होगा कि फिर दोबारा कोशिश करेंगे, दूसरी सिरिंज इस्तेमाल करेंगे, दूसरी सिरिंज दे दो नुजात। तो ये देखो इसका रिलीफ हो गया, और इसका
तो दोस्तों, आज हमने इसका जो फ्लूड था, ये हाइड्रो सेल का जो ये फ्लूड था तकरीबन 10 ml का हमने निकाला है। इसकी ये तकलीफ़ दुरुस्त हो गई, तो अभी ये बिल्कुल ओके हो गई है। और उनको एंटीडोट देते हैं। उनको एंटीडोट कौन सा होगा? जैलाजिन का। जैलाजिन का एंटीडोट होता है एंटीपामाजोल। एंटीपामाजोल कितना डोज देंगे उनको? उतना ही देंगे जितना हमने वो नस्तीजा सेडेटिव ड्रग दी थी जालाजिन। लेकिन इसको फौरन एंटीडोट देंगे तो उनको फिर तकलीफ हो जाएगी। तो उसको लिए बेहतर है कि हम इनका इंतजार करेंगे कि उसकी कम्प्लीटली रिकवरी हो जाए। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है जालाजिन का, यही इफेक्ट है कि इसकी जो है लोअर जा रिलैक्स है। और अभी इसकी टंग कम्प्लीटली देख सकते हैं कि इसकी जो स्वेलिंग थी, उसमें जो फ्लूड था, ये निकल गया है और उनकी तकलीफ हमने दुरुस्त कर दी है। तो ये होता है फायदा सर्जरी का। सर्जरी का यही स्कोप होता है कि सर्जरी करके हम जानवर का मसला हल करें। तो ये था आज का ये अहम वीडियो जो आपने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर चैनल। प्लीज़ जिसने हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको जो नया नया वीडियो और नई नई इन्फॉर्मेशन जो इधर आते हैं वो उसको आपको बताएँ कि आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।